बिजली एक और बहुत बड़ा मुद्दा है। बिजली को लेकर भी हमने एक बहुत बड़ा कमिटमेंट दिल्ली की जनता से किया गया पूरा किया था। सरकार बनने के तुरंत बाद दिल्ली में बिजली के दाम हमने आधे कर दिए थे और हमारा पूरा यकीन है कि दिल्ली में बिजली महंगी उत्पादन की वजह से नहीं है कि बिजली का महंगा उत्पादन हो रहा है, बल्कि इसलिए कि बिजली के कंपनियों में बहुत गड़बड़ियाँ हैं। उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए, पहचानने के लिए CAG ऑडिट तेज़ी से चल रहा है और जैसे ही CAG ऑडिट पूरा होगा हमें उम्मीद है कि बिजली के दामों में और काफ़ी कमी आएगी। हमारी सरकार ने जो बड़ा वादा किया था बिजली के दाम आधा करने का, वो आते ही पूरा किया। हम इस सम्मानित सदन के जरिए दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिजली की चोरी रोकने वालों पर, चोरी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाते हुए सख्ती से निपटा जाएगा ताकि बिजली सबके लिए ठीक से उपलब्ध हो सके। निरंतर बढ़ती मांग को पूरा करना है बिजली की, ताकि उचित समय पर, उचित दाम पर गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली के पीक लोड जो इस गर्मी में करीब 6000 मेगावाट तक पहले पहुंच चुके हैं, उच्च वृद्धि को देखते हुए ट्रांसमिशन ढांचे में निरंतर बढ़ोतरी और उसे उन्नत करने की जरूरत है। सरकार ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मेशन की एक्स्ट्रा कैपेसिटी पैदा करने के लिए पूंजी निवेश के लिए ट्रांसमिशन कंपनी को निरंतर वित्तीय सहायता दे रही है। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा 2015-16 में कार्यान्वयन के लिए प्रमुख पूंजी परियोजनाओं में 450 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। ये परियोजनाएं 400-200 KV ग्रिड सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना के लिए हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम समेकित बिजली विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली सरकार समान वित्तीय योगदान देगी और ऊर्जा सक्षमता और नवीकरण ऊर्जा प्रबंधन केंद्र ने दिल्ली के लिए छतों पर सौर ऊर्जा स्थापना की व्यापक नीति तैयार की है, जिसका लक्ष्य संस्थानों और जनसाधारण को सौर ऊर्जा के दोहन और बेहतर उपयोग के लिए प्रस्तावित करना है। वर्तमान में दिल्ली की ग्रिड से जुड़ी सौर उत्पादन क्षमता 7 मेगावाट है। हम चालू वित्त वर्ष में सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 14 मेगावाट करने का प्रस्ताव करते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण निधि की स्थापना की जाएगी ताकि ऊर्जा सक्षमता परियोजना और स्ट्रीट लाइटिंग आदि के लिए धन की व्यवस्था की जा सके। मैं 2015-16 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 645 करोड़ रुपए के योजना बजट का प्रस्ताव करता हूँ।